हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत बड़ी हस्ती, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, और आज मुझे मौका मिला है कि आज मैं उनके फर्जन रहमान नौशाद साहब के घर पर आया हूँ। और इतने हम्बल और इतने प्यारे, मतलब थोड़ा सा भी ईगो नाम की चीज़ नहीं है, और आज मैं उनके साथ बैठा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती, और हम सपने में भी सोच नहीं सकते कि मिल सकते, लेकिन बोलते ना, चाहत बहुत काम करती है, हम जिस चीज़ को चाहते हैं दिल से वो ज़रूर मिलती है। तो रहमान सर आज मेरे साथ में हैं और मुझे मौका मिला है उनसे बात करने का। तो रहमान सर, आप इतने हम्बल कैसे मेरी बात करें? अब ये तो हम्बल है, हम नहीं है, ये तो हमें पता नहीं। आप जो है प्रॉपर जज, तमाम जो होते हैं वो प्रॉपर जज होते हैं। हम अपने आप को बोले हम अंधेरी हमें तो हम्बल इसलिए सर आप, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के फर्जंद होना, मतलब लोगों का सीखो होता है कि हम तो इंडस्ट्री के इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के बेटे हैं तो हम लोगों क्यों मिले, बट आपने मुझे वक्त दिया है इससे से पता चलता। हाँ, लेकिन हम आप ही चाहते हैं, आपको काफ़ी देर से वक्त दिया, सहूलियत हुई दे दी। जी जी, थैंक यू सर, आपने वक्त दिया ही बहुत शुक्रिया। आई डब्ल्यू साहब का भी रिकमेंडेशन था, और वहाँ से फरीदाबाद से भी साहब का हमने बोला, ये दो रिकमेंडेशन है आपसे जरूर मिला। थैंक यू सो मच सर। मैं कुछ नौशाद सर के बारे में पूछना चाहता हूँ इन शॉर्ट में, कि वो मुंबई में आए, मतलब कब आए थे और कैसे वो मुझे डायरेक्टर, मतलब इतनी बड़ी हस्ती बन गए। देखिए नौशाद साहब की लंबी कहानी है, इन शॉर्ट बताएंगे। नौशाद साहब के खानदान में दूर दूर तक कोई म्यूजिक किसी को पहचान नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन लखनऊ से कुछ 12-20 कोस दूर पे बाराबंकी के पास एक दरगाह थी बड़ी, वारिश अली शाह, वारिश अली शाह, वहाँ पे उनके मामू के साथ वो जो छोटे थे 11-12 बरस के, तो लेके मामू से बहुत अटैच थे, वो लेके जाते थे। तो वहाँ पे रात को बांसुरी की आवाज़ सुनी तो नौशाद साहब मिसमराइज हो गए, हिप्नोटाइज हो गए, और खींच के चले गए वो बांसुरी के रोजे पे दरवाजे पे दरगाह थे, वहाँ पर बांसुरी वाला भंडारा थे, बुजुर्ग थे, उस सब के पट्टे रखते थे बड़े बड़े बाल के, तो वो बुजुर्ग थे, वो बजा रहे थे। तो नौशाद साहब सुन के एकदम ट्रांस चले गए, हो गए इतना थप्पड़ में पड़ा, तो मामू थे उन्होंने घसीटा था उनको, मैंने कहा था मैंने ये मेले में भरा महिला है, रोज चल रहा है, हजारों आदमी आता है यहाँ पर, हो जाओगे तुम्हारे मामा को क्या जवाब देना, चलो यहाँ से उसे वापस लेके आ गए लखनऊ। और फिर हमारे दादा जो थे मुंशी थे अंग्रेजों के कोर्ट में, बहुत सख्त मिलाते थे, म्यूजिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो नौशाद साहब के एक दिन उन्होंने सुन लिया, जब से नौशाद साहब का किला बैठ गया म्यूजिक का, तो उस्ताद होते पंडितों के महफिल अटेंड करते थे, दरवाजे बैठे थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी, महफिल में कोई नाम नहीं थे, बच्चे थे, नौजवान थे, तो चप्पल जूते पहनाया करते थे उस्तादों को पंडितों को, वहाँ से सीखते थे। फिर एक दिन हारमोनियम किसी ने तोहफे में दिया, तो छुप के रियाज करते थे चरपा दिन के। एक दिन दादा आए तो उन्होंने सुनी आवाज़, कह रही आवाज़ कैसी, दादी ने कहा कुछ नहीं बाहर बन रहा, पहले नहीं तो नौशाद साहब को पकड़ लिया, तो उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने धर्म ने बढ़ाई फेंक गया, तुम्हें ये कहा था शौक तुम्हारे खड़ा भगवान का हवादार, ये शौक अभी तुम्हें अभी आज चुन लो, फिर कई बार हुआ है, आज फैसला कर लो तुम घर पर गए या फिर मौसीकी की दुनिया। तो नौशाद साहब के हाथ में आंसू थे, टूटा हुआ आदमी ने उठाया, गले से लगाया, सीने से लगाया, तो पहले आपको आपका घर मुबारक हो, मैं जानता हूँ आपसे की दुनिया में। फिर बम्बई आ गए, स्ट्रगल शुरू हो गया 1937 में बम्बई आ गए, बहुत स्ट्रगल किया, कुत्ता पर सोए, फिर उनको माधव साहब थे, डी एन माधव थे, अपने वक्त के बड़े राइटर थे, उन्होंने चांद दिलाया, पहली फिल्म थी उनकी बंगाली प्रोडक्शन की प्रेमनगर, वो 66 फिल्म में म्यूजिक दिया, प्रेमनगर से लेकर लास्ट फिल्म थी मॉन्यूमेंट ऑफ लव ताजमहल, और पहले लिखते थे प्रेम नगर सिटी ऑफ लव इंग्लिश में लिखते थे, तो प्रेम नगर से लेकर मॉन्यूमेंट ऑफ लव में जाकर 67 फिल्म म्यूजिक दिया, 70 साल में काम किया, उन्होंने 4 जनरेशन का
मोतिया साइकिल साहब मोतिया बेगम ताजमहल जो मेरे अकबर खान के टाइम में 2005 में रिलीज हुई थी और 2004 में मोगला फिल्म कलर में रिलीज हुई थी। पूरा म्यूजिक मैंने डिजिटल रिकॉर्ड किया था। तो हमारा तो मैंने 66 फिल्म थी उसमें से टीपू सुल्तान एक सीरियल भी किया म्यूजिक बहुत पॉपुलर उसका। और उसके बाद उन्होंने 66 फिल्म में उन्होंने 26 फिल्म सिल्वर जुबली और 8 गोल्डन जुबली 3 डायमंड जुबली। तो ये पद्म भूषण उनको अवार्ड मिला और टाइटल मिला पद्म भूषण सरकार ने दिया और पहला फिल्मफेयर अवार्ड उनका जो शुरू हुआ बीजू बारा फिल्म को मिला और शासक को मिला और हल्के अवार्ड मिला और ओवरसीज से बहुत अवार्ड मिले। तो ये उनकी नक्शन में कहानी है। थोड़ा सा आपके बारे में आपने भी फिल्मों में डायरेक्शन हम पहले नोटा साहब का एसिस्ट करते थे। अच्छा उनका नाम आता था 8-10 फिल्मों में नाम पहले सागर आवाज़ में रामा श्याम आदमी में सब में चंद्र के भी नाम है। तो आई वॉज थर्ड बहुत एसिस्ट कर मगर उसके बाद आई ऑप्टेड फॉर डायरेक्शन फिल्म डायरेक्टर। तो हमने पहली फिल्म माई फ्रेंड डायरेक्ट की जिसमें रफी साहब ने गाना गाया अमेरिकन फिल्म। तो देख लीजिए फिर बिहार चोपड़ा के लिए बिहार फिल्म के लिए गजल डायरेक्ट थी। फिर तेरी पायल मेरी भी डायरेक्ट थी जिसमें मनोजा मीनाक्षी कागर खान शक्ति कपूर वगैरह वगैरह। तो उसमें बाला सुब्रमण्यम साहब से बारा है नक्षा साहब ने मोहम्मद अजीज ने भी गाना गाया हरिहरन साहब ने भी गाना गाया और दो लता जी ने गाना गाया तीन गाने गाए लता आंटी हम बोलते थे और रफी अंकल रफी साहब और रफी अंकल बोलते थे। पहले फिल्म में लता जी ने तीन गाने गाए इस तरह का हमारे हमने फिल्मों में काम किया कैरेक्टर भी किया और फिर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी रहे वगैरह वगैरह। आप ऐसे तो कहानी नेवर एंडिंग है। यस यस कहानी तो बहुत बड़ी है फ्रेंड्स बट मैं लकी हूँ कि आज सर का नज़र में रूबरू बात कर रहा हूँ और एक हस्ती से मैं ज़रूर मिलाऊँगा। हाँ हलो हम लेंगे। हाँ तो मैं थोड़ा सा रफी रफी हाँ पूछेगा मतलब आप तो बिल्कुल उनसे मिले होंगे। अरे हम तो यहाँ पर हम तो बचपन से उनके गोद में खेले रफी साहब खिकिल साहब खिकिल बजाई उनके मजू सुल्तानपुरी जी और सब उनसे बड़े बड़े राइटर हैं यहाँ पर आते थे बजाज मिर्जा साहब जिन्होंने मुगला घर में डालो लिखा साहब यहाँ आते थे यही रेसर का रूम था। अच्छा यहाँ पे तरह महमूद साहब शमशान बेगम मुकेश जी अभी तो नहीं रहा अभी हमारा बेटम बन गया मुकेश जी मुकेश साहब आते थे और रफी साहब अक्षर भूषण मेहता जी सब आते थे हमारे डे साहब आते थे हेमंत कुमार साहब आते थे सब आते थे यार रेसर के लिए आठ अड्डा देखे रेसर फ्रेंड्स में। हाँ रफी साहब के बारे में बताएं जी रफ़ी साहब हम बहुत साहब बोलते हैं रफ़ी साहब बहुत फरिश्ता खासियत थे और बहुत मासूम इंसान थे बहुत टैलेंटेड थे सीखे हुए थे लेकिन वो अगर अकेले होते ना तो शायद उनको चांस नहीं मिलता। उनके साथ एक हमीद भाई थे उनके बड़े भाई वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया वो बहुत तेज थे सब जगह लेके जाते थे रफ़ी साहब को गाना सुनाते थे और रफ़ी साहब इतने शर्मिले थे पीछे छुप जाते थे। रौशा साहब के बाद जब गए आदर्श स्टूडियो में रौशा साहब पीक था तो पठान थे गेट पर उन्होंने एंट्री नहीं दी कहते नहीं तुम जाओ उधर से नहीं मिल सकता रौशा साहब। तो इतने चालक थे हमीद भाई पता मालूम कि हमारे दादा की इधर लखनऊ का पता तो रफ़ी साहब को लखनऊ लेके गए उनसे रिकमेंडेशन का लेटर लिखा था फिर कहने लगे वापस आए तो कहने लगे पठान से और अभी देखो रौशा साहब बुलाए नहीं उनका वालिद का लेटर था उनको जाके दो वो उसने दिया रौशा साहब ने पढ़ा चार लाइन लिखी थी गाना ये लड़का सुनते हैं अच्छा गाता है अगर इस लायक हो तो इसे मौका दे वाहिद अली अगर फिर रौशा साहब ने बोला अच्छा उसको उनका मैं अंदर भेजो वो हमीद भाई और रफी साहब दोनों आए तो रफी साहब पीछे छुप गए हमीद भाई कहने लगे रौशा साहब कहना आप गाते अरे मैं नहीं गाता मेरा छोटा भाई अरे अरे बाहर निकल फिर वो छुप गए शर्मिले थे सलाम किया अरे आप गाते कहने को सुनाइए तो रौशा साहब ने सुना उनको ये सुनाया कुछ पंजाबी गाना कुछ हिंदी गाना सुनाया फिर रौशा साहब ने इतना कहा कि आपके
आपके आवाज़ गले में कुदरत ने मोड़ दिया, आप मिलते रहिए, जब मौका मिलेगा मैं आपका चांद दूँ। तो फिर पहला चांद इनको दिया है, फिल्म बनने से पहले आप उसमें कोरस में बातचीत सॉन्ग था, आज़ादी नहीं मिली थी, हिंदुस्तान के हमें हिंदुस्तान हमारा, उसमें डी एम दुर्रानी साहब थे कोरस में, और ये खान मस्ताना साहब थे, श्याम कुमार साहब थे, और उसमें रफी साहब की आवाज़ बहुत प्रॉमिनेंट है हिंदुस्तान के हमें मार्शिन साहब में, जूता वूता खरीद के लाए थे हमीर भाई चोर बाजार से, लोग उस वक्त जूता सोल्जर का खरीद के लाए थे, तो मार्शिन साहब था हिंदुस्तान के हमें मार्च करते हुए नज़दीक आना है और माइक के कुछ दूर जाना है। फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड हो गया, फिर वो हमीर भाई ने कहा रोशन साहब सुना आप शाहजहाँ बना म्यूजिक दे रहे हैं, शाहजहाँ की एक दरख्वास्त है, आजकल के बड़े हीरो सिंगिंग स्टार साइगल साहब हैं, तो उनके साथ अगर मेरे भाई की एक दो लाइन हो जाए कोरस में तो जिंदगी भर नाच करेगा कि मैंने हीरो साइगल के साथ गाने गाया, तो रोशन साहब ने कहा आ जाएंगे कर ले जाइए। तो उसमें एक लाइन है एंड में रूही रूही मेरे सपनों की रानी लास्ट लाइन है, और रफी साहब की बहुत आवाज़ प्रोमिनेंट है, तो साइकिल के साथ गवाए गाना। फिर उन्होंने मोशन साहब ने पहला मोशन साहब ने पहला ब्रेक दिया है इंडिपेंडेंट सोलो गाना महबूब खान के अनमोल घड़ी में, तेरा खिलौना टूटा वाला तेरा खिलौना टूटा हाई किस्मत लूटा दोस्तों, और फिर दिल लगी गुलारी स्वानी रात डर चुकी गाने तुमका भाव है, फिर दिल लगी में श्याम कुमार का वो प्लेबैक सुना श्याम हीरो का इस दुनिया में दिल वालों दिल का लगाना खेल नहीं खेल नहीं तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेकर आए, फिर आन है बनी और फिर बेटे बारों में शाह साहब ने उसको टेस्ट किया, पहले ऊँची वो ऊँची रेंज कितना जाता है, फिर बेटे बारों में दुनिया के बारे में एक्सपाल किया नौशा साहब, नौशा साहब भाप लिया था कितना ये जा सकते रेंज, बाबुल फिल्म बननी थी ना उसमें तलब महमूद साहब को बनाया था, वो क्योंकि सनी साहब के ये कंपल्सरी थे कि दिलीप साहब पे तो तलब महमूद बात है नौशा साहब ने वो तोड़ा, जब रेडियो फिल्म बननी थी बाबुल उसमें गाना था नदी किनारे रात सुहानी आई कहीं तो थम्बा है बोट में कोली लोग गा रहे हैं, तो रफी साहब के तान है बहुत ऊँची तान है, तो वो नौशा साहब ने टेस्ट किया था उसमें, फिर दीदार जब फिल्म बनी दीदार में नौशा साहब ने सोलो गवाया था वो एम जिंदगी ने बढ़ा, और फिर मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहाँ हुआ है, और फिर वैजू बारा समय लेने में बननी थी दीदार पहले रिलीज हो गई क्योंकि मीना कुमारी की उंगली कट गई थी तो शूटिंग डिले हो गई थी, फिर वो वैजू बारा जब रिलीज हुई पिक्चर पर उससे धूम मचा गया, तो दुनिया के नाटवाले मन तरपा हरे दर्शन का झूले को मोहन के आई मार वगैरह वगैरह, फिर तीन लोग बैक रफी साहब, रफी साहब पर छाप लग गई दिलीप कुमार पर, दिलीप कुमार के लिए मैं यही थी रफी साहब तो काफ़ी आपने बन गया है सर, और थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।